मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग के पास। अब कोई और इसके अलावा अब कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले और जगह जो कार्य करते थे वो सब लोग छोड़ करके बैठे हैं, और अब चूंकि हमारे पास उनके जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिया गया नियुक्ति पत्र भी है हम लोगों के पास में, उन्होंने हम लोग को यहाँ ज्वाइन भी कराया है और वेतन 3 महीने से नहीं दे रहे हैं। हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। हम लोग DM साहब से लेकर के CDO साहब तक लगातार अपनी बात को रख रहे हैं और आश्वासन ही मिल रहा, अभी कोई इस पर उचित कार्रवाई इस तरह से नहीं हो रही है। CDO साहब ने संज्ञान लिया है और CDO साहब ने जो संज्ञान लिया उसमें DR से पूछा भी तो DR साहब ने कहा है कि कुछ लोगों का मैटर जो है स्टे हो गया है, सरेसर ये झूठ है, ऐसा कोई स्टे का कोई प्रकरण है ही नहीं, बल्कि कुछ प्रूफ भी हम लोग के पास ऐसे हैं कि जिस पर खुद जिला विद्यालय निरीक्षक गलत तरीके से हम लोगों को इधर उधर ठीक है समायोजन की बात कर रहे हैं, और जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसके विपरीत में ये आ करके अलग से समायोजन की बात कर रहे हैं, उसका साक्ष्य भी हम लोगों के पास है कि किस तरह से ये यहाँ पर पूरी तरह से एकदम भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं और हम लोगों का लगातार शोषण कर रहे हैं। हम लोग अभी 17-18 लोग फंसे हुए हैं इसी तरह से, सिर्फ 7-8 लोगों का ही वेतन निर्गत किए हैं जब CDO साहब ने दबाव डाला। कितने लोग अभी तक? सर हम लोगों का कम से कम 15-16 लोग ऐसे हैं जिनका वेतन है, 23 लोगों को इन्होंने अपने कार्यालय में ज्वाइन करवाया था, और उसके बाद अभी तक हम लोग काम कर रहे थे और इन्होंने हम लोग को मूल वेतन भी मूल विद्यालय भी नहीं दिया जो मेन विद्यालय है, हम लोगों को दूसरे विद्यालय में अटैच किया जो रमसा या राष्ट्रीय माध्यमिक जो शिक्षा विद्यालय होते हैं उसमें, और जो स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ पर हम लोगों को इन्होंने अटैच किया, और हम लोग जा करके वहाँ पर ठीक है अलग अलग जिलों के आए हुए हैं, हम अम्बेडकर नगर से आए हैं, हम लोगों को वहाँ पर जा करके रूम लिए, वहाँ पे 2 महीने से पढ़ा रहे हैं, पूरा खर्चा हम लोगों का वहाँ पे हो रहा है। अब आज जा करके हम लोग पूछे तो कह रहे हैं कि नहीं अभी आप लोगों का वेतन नहीं मिलेगा, आप लोगों का स्टे हो गया है। हम आयोग से आए हैं तदर्थ के खिलाफ स्टे की बात इस तरह से अगर जिला विद्यालय निरीक्षक कर रहे हैं कि बहुत ही ठीक है, हमें नहीं समझ में आ रहा, बहुत ही कष्ट में बात को लेकर के। अभी हम लोगों को रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं जो राजकीय विद्यालय होते हैं उसमें हम लोगों को अटैच किए हैं, हम लोग को तो कार्यालय में ही ज्वाइन कराए हैं अपने, लेकिन अटैच वहाँ किए हैं, तो अभी तो विद्यालय बंद चल रहे हैं, फिर जुलाई से हम लोगों को देखिए क्या करते हैं, पढ़वाते हैं कि नहीं पढ़वाते हैं, अभी तो वेतन ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को आयोग से लेटर भेजा गया था ज्वाइनिंग के लिए? जी जी। जहाँ ज्वाइनिंग के लिए भेजा गया था उस जगह पर कौन लोग तैनात थे उस समय? इस समय भी अभी वहाँ पर तदर्थ शिक्षक तैनात है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट।